थैंक यू वेरी मच जूम एंड एक बहुत अच्छी बात है अगर लोगों को प्रोमो अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है प्रोमो का. हालांकि जिन हालात में शूटिंग हुई थी हमको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. और शो वाकई अच्छा है. एक कनेक्शन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऑडियंस के साथ हो बन जाएगी क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल है शो. और स्वर्ण और कंवर की कहानी है, उनके प्यार की कहानी है, उनके बच्चों के प्यार की कहानी है, उनकी आशियाने की कहानी है, तो काफ़ी रिलेटेबल है. मतलब प्रोमो में तो पता चल ही गया है कि किस तरफ हम इशारा कर रहे हैं और किस उम्र के इस उम्र में स्वर्ण और कंवर अपने जब बच्चों को मिस कर रहे हैं तो फिर हाउ डू दे डील विद इट. सो या मैं पहले समझा दूं आपके दर्शकों को क्यों संगीता बोल रही है कि हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि दो दिन का प्रोमो शूट था और जिस दिन पहला दिन था प्रोमो शूट का उस दिन बहुत सवेरे संगीता आई थी चंडीगढ़ और वहाँ से बुखार लेकर आई थी एंड शी वाज वेरी हाई टेम्परेचर. तो पहले दिन कुछ खास हो नहीं पाया और सेकंड डे पे हम लोग पूरे दो दिन का काम हमको एक दिन में पूरा करना था क्योंकि थर्ड डे पूरी यूनिट वापस जा रही थी मुंबई. तो हाँ थोड़ी अफरा तफरी मच गई थी कि ख़त्म करना है काम, बहुत सारा काम था. तो सारे प्रोमो जितने छोटे छोटे टीजर हैं सब एक दिन में शूट किए. और जैसा कि संगीता ने कहा बड़ा रिलेटेबल शो है क्योंकि एक ज़माना था जब पेरेंट्स माइग्रेट होते थे तो अपने बच्चों को साथ ले जाते थे, पूरी फैमिली साथ में जाती थी, या फादर जाता था फिर मदर और चिल्ड्रन जाते थे तो पर पूरी फैमिली माइग्रेट होती थी साथ. अब आजकल ये है कि सब लोग बच्चे बाहर चाहते हैं कि बाहर जाकर पढ़े, फिर बाहर जाते पढ़ने फिर वहाँ बस जाते हैं, नौकरी मिल जाती है उनको, फिर वहीं शादी हो जाती है, वहीं उनका परिवार हो जाता है, वहीं घर बसा लेते हैं. तो जब ऐसा होता है तो माता पिता जो बूढ़े हो गए वो पीछे रह जाते हैं, पिंड में रह जाते हैं या अपने शहर में रह जाते हैं, अपने घर में रह जाते हैं. तो ये दूरी फिर क्योंकि माता पिता तो रिटायर हो गए हैं तो उनको सिर्फ बच्चों की फिक्र होती है, बच्चे अपने जीवन में व्यस्त होते हैं. तो जब ये दूरी बढ़ जाती है और बच्चों को समय नहीं मिलता, माता पिता जस्ट कि फ़ोन करें बात करें, तो क्या होता है ऐसे सिचुएशन में ये कहानी. कमल बेदी जैसा कैरेक्टर इतना लवेबल और लविंग दोनों, मतलब आइडियल हस्बैंड है, आइडियल फादर है, आइडियल इंसान है, इंस्पिरेशन है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बच्चों के हीरो नहीं है, स्वर्ण के भी हीरो हैं और सुपर हीरो है, बच्चों के सुपर हीरो और स्वर्ण के तो हीरो हैं ही. स्वर्ण मेरे ख्याल से बेदी साहब के साथ साथ बड़ी हुई है, बेदी साहब से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि स्वर्ण भी एक बहुत ही छोटे पिंड से आई हुई है और जिंदगी बेदी साहब ने सिखाई है उसे पैम्पर किया है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, बहुत प्यार दिया है स्वर्ण को. तो बहुत ही आइडियल किरदार है इनका और इन्होंने इतना अच्छा निभाया है, मैं किसी और को सोच भी नहीं सकती इस किरदार में. तो वैसे तो सारा कुछ बता ही दिया संगीता ने, मैं थोड़ा बता देता हूँ. ये जैसे कि संगीता ने कहा बहुत ही छोटे गांव से पिंड से चंडीगढ़ आई, बहुत यंग एज में शादी हो गई और अरेंज्ड मैरिज थी और तो जो गांव के जो दोस्ती जो है वो सब छोड़ छाड़ के घर छोड़ के बेदी साहब के घर आ गई और कुछ नहीं पता था, एकदम भोली सी लड़की. तो एक लड़की का एक औरत में परिवर्तन और फिर तीन बच्चे होना और पूरी ज़िंदगी लगा देना बच्चों की परवरिश में, मुझे अच्छी तरह से पता है ये जोन क्या होता है क्योंकि मेरे घर पे भी नीलम है तो 22 साल हो गए उनके साथ, घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना. तो वैसे ही है स्वर्ण और बेदी साहब वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ, प्रोटेक्ट करते हैं स्वर्ण को जैसे हर हस्बैंड को करना चाहिए, बच्चों से प्यार करते हैं जैसे हर फादर को करना चाहिए. आगे क्या होता है ये शो की एक चीज़ बेदी साहब मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर वो किसी चीज़ से अग्री नहीं भी करते स्वर्ण की किसी बात से, अगर वो उनको लगता है कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए,
फिर भी वो स्वरण की बात कभी नहीं टालते हैं, आखिर में वो मांगते जरूर है, वो कहते कि ठीक है जो जा फिर कर ले अपनी मनमानी, स्वरण को सारी मनमानियां करने देते हैं। Obviously, जब एक एक्टर एक रोल कोई करता है तो उसके अंदर जो भावनाएं होती है वो कैरेक्टर में डालते हैं। तो कई मैं खुद एक हस्बैंड हूँ, फादर हूँ, और मैं वैसा ही सोचता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो मुझ में है वो काफ़ी कुछ मेरी साथ होंगे। देखिए कुछ इमोशंस होते हैं जो हर औरत में कॉमन होता है, वो प्यार करना, बच्चों के लिए जो फील करती हैं, अपने घर परिवार के लिए जो फील करती है। स्वरण भी उससे अलग नहीं है और मैं भी उससे अलग नहीं हूँ। कहानी में चीज़ें अलग हैं और सिचुएशंस अलग है, लेकिन स्वरण इज़ ऑल अबाउट लव। एंड मुझे लगता है कि मैं भी काफ़ी हद तक वैसी हूँ जहाँ तक प्यार की बात है और प्यार का सवाल है। बहुत बहुत बढ़िया रहा। मैं थोड़ा सा क्यों हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो ऐसे भी मुझ पे हंस रहे हो। तो पहले थोड़ा जो जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत अफरा तफरी में फर्स्ट डे शूटिंग हुई, और तो मैं जब मेन शूटिंग शुरू होने वाली थी उससे पहले मैं थोड़ा संकोच कर रहा था, अप्रेंसिव था कि क्या होगा, क्योंकि इनके साथ वक्त नहीं बिताया था मैंने, स्क्रिप्ट रीडिंग्स नहीं की थी, वर्कशॉप नहीं किए थे। तो और पहला सीन जो लगाया था उसमें एक 30 साल पुराना रिश्ता वहाँ तुरंत दर्शाना था, तो थोड़ा सा सब कुछ में था कि कैसे होगा और कंफर्ट जोन कैसे मिलेगा, कितना डिस्कम्फर्ट रहेगा। पर दाद देनी चाहिए मुझे संगीता की कि पहले दिन में ही, पहले शॉट में ही वो कंफर्ट जोन हमको मिल गया और वो बहुत बढ़िया हो गया सीन सेट पे, तलियां वालियां बजी। तो आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो वी फाउंड दैट केमिस्ट्री इट जस्ट हैपेंड। आप एक्सप्लेन नहीं करते कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें बस अपने आप ही वो फिट हो जाती है। मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है अपने पेरेंट्स के साथ, सारे परिवार के साथ, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन लॉज हैं, मेरी मम्मी है, और नोकझोंक तो होती रहती है और प्यार भरी बातें भी रोज़ होती रहती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमोरीज है, किसी एक को मैं पॉइंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ रोज़ फ़ोन पर बात करना और वही चीज़ हम एक्चुअली ज़्यादातर जब फ़ोन पे बात होती है तो वही चीज़ हम दोहराते हैं, हमारे सवाल भी वो होते हैं और हमको जवाब भी पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है सुनना और वही कोई पूछना। आई थिंक इज वेरी क्यूट। तो मेरे परिवार में हर कोई है, भाग्यवश पिता नहीं है, माता जी हैं, भाई है, भाई की फैमिली है, भाई के बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही हैं, मेरे बच्चे भाई के बच्चे जैसे ही हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि वो एक जो एकता होती है वो बनी हुई है हमारी फैमिली में, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। और बाकी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो मेरे फैंस हैं, मेरी ऑडियंस है, उनके साथ भी ये प्यार का नाता मेरा जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ग्रेटफुल टू गॉड। मैं दे देता हूँ मेरे फैंस को पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, हमेशा उनको पता होता है। आई नो यू लव मी, थैंक्स फॉर योर लव, एंड यू ऑल्सो नो दैट आई लव यू मोर देन यू लव मी, थैंक यू। तो प्लीज़ वॉच एंड लेट मी नो, आई रीड ऑल योर मैसेजेस, यू नो दैट, सो लेट मी नो व्हाट यू फेल्ट अबाउट द एपिसोड्स, एंड आई रियली रियली होप, आई लव द शो एंड आई रियली रियली होप दैट यू लाइक इट टू।